गाइस, मैं आपका होस्ट ऑफिस विकास और आप देख रहे हैं पन मार्क सेलर। गाइस, जैसे आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं, मैं हूँ आपका होस्ट ऑफिस विकास। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, कुछ डिफरेंट बताऊंगा। आप में से बहुत से मेरे भाई मेरी बहने जो दुबई जाने का ख्वाहिश मानते हैं कि हमने दुबई जाना है, और यहाँ से अगर एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, 6 लाख का, 7 लाख का, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कहाँ से लें। तो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि यार हम क्या करें, हम विजिट वीज़ा लें, वहाँ जाएं, वहाँ जाकर हम जॉब सर्च आउट करते हैं, हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे हम सस्ते में बढ़ देंगे। ऐसे तो इतना पैसा होता ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं ना, तो मिडिल तबका होता है, तो कहता है कि इतना पैसा हम एजेंट को क्यों देके जाएं, तो हम वैसे ही जाते हैं, वहाँ पर जाके जॉब फाइंड करेंगे। तो आजकल होता है कि वहाँ पर पहली बात यह है कि जॉब पाकिस्तान के लिए तो बहुत कम है, हालांकि इसके निस्बत अगर इंडिया वाले या बांग्लादेश वाले, उनको ज़्यादा मिल जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है दुबई में। होता क्या है, यहाँ से चले जाते हैं वहाँ, वहाँ की पहली बात, यहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं और आप लोग लेते हैं टिकट, तो ये दो चीज़ें तो आपकी 150 की होंगी, 1,50,000 आपका इसमें लग जाएगा, 1,50,000 के लगा, 50,000 आपका कुछ शॉपिंग में, वोपिंग में, आगे पीछे ये वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आपका 50,000 ये भी गया, मतलब 2 लाख का आपका ये कन्फर्म लगेगा। अगर विजिट वीज़े पर भी जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए आपके पास दिरहम भी होना चाहिए, जो कि कानूनी तौर पे देखें तो 4,000 दिरहम उन्होंने बोला हुआ है कि आप लोगों के पास 4,000 दिरहम होने चाहिए। बट अगर आपके पास 4,000 दिरहम नहीं भी हैं, 2,000 भी हैं, तो भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी वो 2,000 तो होने चाहिए ना। वो भी आज कैलकुलेट करेंगे कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तान के, फिर भी ठीक ठाक बन जाते हैं। और पहली बात, वहाँ पर आपका कोई अपना होना चाहिए जो ख़ास, पहली बात तो अपने बनते भी नहीं हैं, अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि ये मेरा अपना है, उनसे रब्ता करके जाना चाहिए, कोई जॉब फाइंड हो, फाइंड करनी चाहिए कि ये मुझे मिलेगी, ये मिलेगी। यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके बहुत किस्मत है, मिल जाए ना मिले तो ज़्यादातर लोग वापस ही फिर आते हैं। जॉब वहाँ पर ढूंढनी बहुत मुश्किल है, जो पहली बात उनको मिलती है जिनके वहाँ पर कुछ ताल्लुक हैं, कुछ पहले ही मामू चाचू कज़न भाई कुछ भी लगे हुए हैं, जो उनको ही मिलती है। और बांग्लादेश में से कोई आए या इंडिया में से आए, उनको जल्दी मिल जाती है। पाकिस्तान में अगर आप लोगों में से भी कोई जा रहा है, तो पहली बात यह है कि यहाँ से ही जॉब ढूंढ के जाएं, वहाँ जाके आप धक्के खाएंगे, जलील होंगे, वापस आएंगे, पैसे लगाएंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये हर चीज़ मैं आपको सुनी सुनाई नहीं बता रहा कि मैंने किसी से बात सुनी और मैंने आपको बता दी, मैंने किसी की यूट्यूब पर वीडियो देखी और मैंने आपको बता दी, ऐसा कुछ भी सीन नहीं, ये सारा मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ एक वीडियो के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि बेड स्पेस कौन कौन सी होती हैं, कितने में बंदा रहता है, और लोग कैसे वाइंड आउट करते हैं, कौन सी गलतियां जो हम करते हैं, इस सभी टॉपिक पे एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जो मेरे व्यूवर्स पहले मेरे सब्सक्राइबर, उनको तो पता है मैं पहले दुबई गया था, तो मैं यही सब कुछ सर्च आउट करके आया हूँ, उसके बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो एक वीडियो पे बहुत मेहनत होती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सर्च आउट करके वीडियो ऑथेंटिक रियल बनानी पड़ती है, कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे पाकिस्तानी है, वो ये गलतियाँ जो कर चुके हैं हम, वो ना करें। तो इंशाल्लाह आगे जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे, उस सिलसिले में ही करेंगे कि वहाँ पे कितने खर्चा होता है, बेड स्पेस जो फाइंड आउट कैसे करनी है, एक एक चीज़ बताएंगे। पहली बात तो मैंने आपको यही बता दी कि ऐसे ही शॉर्टकट सभी हम पाकिस्तान क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढने कभी कभी हमें उल्टा भी पड़ जाता है। हम बहुत से लोग सभी ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान जुगाड़ लगाने में सबसे आगे होते हैं, आप लोगों को बताइए। तो ये भी एक शॉर्टकट ही है कि यहाँ से विजिट भी जाए, वहाँ पर जाके जॉब फाइंड आउट करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों को मेरा यही मशवरा है कि जॉब फाइंड आउट करके ही जाए, जॉब ढूंढ के ही जाए, ऐसे जाने का फ़ायदा नहीं होता। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।